आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। अडानी फाउंडेशन एवं जीजी नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ निःशुल्क नेट परीक्षण शिविर। नेट शिविर में धीरिया एवं सलैया बड़गिंगिया के 172 ग्रामवासी हुए लाभान्वित। अडानी सीमेंट के चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर वैभव दीक्षित के मार्गदर्शन में अडानी अमेटा सीमेंट प्लांट हेड अतुल दत्ता एवं अडानी फाउंडेशन कैमूर व अमेटा सीमेंट वर्क्स की CSR हेड श्रीमती NH विश्वास की अगुवाई में ग्राम पंचायत धीरिया में नेत्र जांच शिविर का आयोजन पंचायत भवन में किया गया। इस आयोजन में सरपंच सुरेंद्र मलिया और पंचायत सचिव सुरेश तिवारी की विशेष भागीदारी रही। इस शिविर में ग्राम झिलिया एवं सलैया बड़गिंगिया के 172 ग्रामवासी लाभान्वित हुए। 42 लोगों को निःशुल्क चश्मे भी दिए गए। आंखों से जुड़ी समस्त समस्याओं की जांच की गई व मरीजों को दवाई देते हुए डॉक्टर ने उचित सलाह दी। ग्रामवासियों की आंखों की जांच के पश्चात लोगों को आवश्यकतानुसार दवाइयां व निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। नेत्र जांच शिविर को झिलिया गांव में आयोजित कराने में गीता गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट जीजी नर्सिंग होम कटनी से डॉक्टर और उनकी टीम में डॉक्टर शैलेन गौतम, काशी प्रसाद, अंकुश श्रीवास्तव और ऋषभ तिवारी ने भरपूर सहयोग दिया। इस कैंप को आयोजित कराने में डॉक्टर शेफाली गुप्ता, डॉक्टर ज्यूरिक महेश व अडानी फाउंडेशन टीम से पंकज द्विवेदी, मनोज चौबे, अमित सोनी, अयोध्या प्रमोद, रामेश्वर, नरेंद्र और सुनील की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिपोर्ट आरिफ खान, आरपीकेपी इंडिया न्यूज, कैमूर। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी पूरी टीम आज आपके साथ है। इनके सहयोग से हम लोग हर गांव और हर पंचायत में मुफ्त नेत्र परीक्षण शिविर, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एक जगह एक बड़ा कैंप लगता है, तो जैसे आज बुजुर्ग आप लोग घर से धीरे धीरे चल के यहाँ पर आ गए, जब तक आपके आने जाने की सुविधा ना हो आप लोग नहीं जा पाते। यही कैंप यदि कैमूर में होता तो हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग नहीं आ पाते, या बिजरावगढ़ में होता नहीं आ पाते। इसलिए हमने इनके साथ बातचीत किया कि क्यों ना हम गांव स्तर पे कैंप लगाएं, है ना। और हमने ग्राम पंचायत को अप्रोच किया और बहुत सहजता के साथ आपके जो प्रधान है उन्होंने हमारे इस प्रपोजल को स्वीकारा और उन्होंने कहा नहीं मैडम, बिल्कुल हमारा पंचायत भवन खुला है और हम लोग इसकी सूचना हर मोहल्ले में हम लोग अपने गांव के देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। सो मैं चाहूंगी आप ग्रामवासियों की तरफ से जोरदार तालियां आपके प्रधान के लिए और दूसरा दीदी चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम के लिए। आप सामने बैठे हैं शैलेंद्र गौतम जी, जो इस पूरे के मतलब कर्ता धर्ता है। इन्हीं के साथ हमारा पहला संपर्क हुआ और पिछले हफ्ते ही हमारी बात हुई थी और बहुत कम समय में इन्होंने इसको आज करने में हमारी मदद की। आपके साथ हैं काशी प्रसाद जी, आप देख सकते हैं जो जांच कर रहे हैं। दवा डेस्क में बैठे हुए हैं अंकुश श्रीवास्तव जी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर में हमारे भाई ऋषभ तिवारी जी और ACC अडानी कंपनी की ओर से मैं NH विश्वास, मैं यहाँ पर CSR विभाग की मुखिया हूँ और मेरे साथ हमारे सहकर्मी हैं पंकज द्विवेदी जी, नमस्कार, अमित सोनी जी, आप हैं नरेंद्र जी, आप हैं सुनील जी और वो रजिस्ट्रेशन में बैठे हुए अयोध्या तिवारी जी। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरपंच साहब से कि आप एक पुष्प गुच्छ देकर हमारे चार बार
सीसी अडानी फाउंडेशन की तरफ से कैमूर और अमेठा क्षेत्र के करीब 20-22 गांवों में और 15 ग्राम पंचायतों में जो हमारे 5 पिलर हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जल संवर्धन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इन 5 थीमों में जो कार्य कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज झिरिया ग्राम पंचायत में जीजी नर्सिंग होम जो गीता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया था, जिसमें करीब 250 लोगों को आंख की जांच की गई और जो भी जरूरी दवाएं देनी थी, जो समस्या थी उनको वो बताया गया और दवाओं को उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में आगे के कई स्वास्थ्य जांचें कराई जाएंगी अलग अलग गांवों में, वो हड्डियों से संबंधित होंगी, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित होंगी, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित होंगी और इसमें सारी ग्राम पंचायतों के जो प्रधान, सरपंच और जरूरी मतलब आवश्यक प्रतिनिधि हैं उन सबका सहयोग हमें मिल रहा है, उन्होंने इस कार्य को सराहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जीजी नर्सिंग होम और गीता चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरीके का आयोजन आगे आने वाले दिनों में होते रहेंगे। मैं सुरेंद्र मलिया, झेलिया सरपंच, अडानी फाउंडेशन, अमाटा सीमेंट वर्क्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो नेत्र शिविर लगाया गया, इसमें लगभग 280 आदमियों को सहायता प्राप्त हुई, जिसमें चश्मे, दवाइयाँ इत्यादि, डॉक्टरों की व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था की गई। मैं गुप्ता, श्री गीता गुप्ता जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ शिविर लगाकर लगभग 280 लोगों को सहायता प्राप्त की, जो दवाई कराने में असमर्थ थे उनकी सबकी अच्छी सी मदद हुई। मैं सुरेंद्र मलिया अपने तरफ से और अपनी झेलिया गांव और झेलिया पंचायत की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं रिंकी सिंह, ग्राम पंचायत झेरिया की निवासी हूँ और हमारे ग्राम पंचायत झेरिया में आज अडानी फाउंडेशन नेत्र शिविर का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी ग्राम निवासी बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं और नेत्र की जांच करवाए हैं, जिसमें मैं चाहती हूँ कि अडानी फाउंडेशन का इसी तरह का कार्यक्रम हमारे गाँव में रखा जाए और हम उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं अडानी फाउंडेशन की सभी टीमों को धन्यवाद।